हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की चुनौतियों के संबंध में की चर्चा। कहा 20 अप्रैल से प्रदेश के 19 जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से कराएं पालन। 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान केवल 3 गतिविधियों पर छूट देने की डीएम ने की घोषणा। कहा मनरेगा, गीडा और औद्योगिक क्षेत्रों और सरकारी एजेंसियों के निर्माण कार्यों के लिए ही रहेगी छूट, अन्य कार्यों के लिए पूर्व की भांति लागू रहेगा लॉकडाउन। सहजनवा में बने क्वारंटाइन सेंटर का कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। कोटा से आ रहे बच्चों को सेंटर में रखने के साथ मेडिकल चेकअप कराने तथा साफ सफाई के दिए निर्देश। तहसील परिसर में लगाया गया पैडल हैंड वॉश सिस्टम, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी और एसडीएम ने किया शुभारंभ। कहा आगंतुकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने में होगा कारगर साबित। जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन से अब तक करीब 1,00,000 लोगों को भेजा जा चुका है ड्राई फूड, राशन। जन सहयोग से गरीबों असहायों को मिल रहा है भोजन सामग्री। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस अनुभव सिंह ने दी जानकारी। रविवार की शाम हुई बारिश और ओलावृष्टि से जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग हुए घायल, 1 की मौत। किसानों के फसलों के नुकसान का अनुमान, जिलाधिकारी ने जिले के सभी तहसीलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट को किया तलब। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बैठक। कहा ऑनलाइन शिक्षा के लिए होगा कॉपी किताब और स्टेशनरी की होम डिलीवरी। महेवा मंडी में सब्जी की गाड़ियों की लेन अलग हो जाने से हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने दी जानकारी। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज द्वारा निर्मित हर्बल सैनिटाइजर का कॉलेज द्वारा गोद दिए गए गांव में निःशुल्क किया गया वितरण। खेतों में काम करने वाले किसानों को सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करने के लिए किया गया जागरूक। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ कोविड 19 के संबंध में लगातार किया जा रहा है जागरूक। महिला थाना की टीम लंच पैकेट तैयार कर मास्क के साथ जरूरतमंदों को करती है वितरित। कोविड 19 से बचाव के जागरूकता को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के सुझाव पर रविवार को सराफा मंडल द्वारा लिखवाया गया शहर के 16 चौराहों पर कोरोना से बचाव के टिप्स और पेंटिंग। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सब्जी की जनपद में बढ़ती जा रही है डिमांड। वार्डों में मंडी से निकली 20 सब्जी की गाड़ियां, फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने दी जानकारी। कोविड 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एरिया सैनिटाइजेशन के साथ साथ चलाया जागरूकता अभियान। विनोद वन में बंदरों के सेवा में उतरे युवक, बंदरों को किया फल वितरित जिससे मिल सके बंदरों को भूख से राहत। और लॉकडाउन का पालन कराने में महानगर पुलिस है पूरी तरह अलर्ट। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बनाई गई 56 चेक पोस्ट, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही है दंडात्मक कार्रवाई।